नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। फुल फॉर्म क्या है इसका? तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि पीएम केयर्स फंड एंड प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड दोनों में डिफरेंस क्या है। आखिर ज़रूरत क्या पड़ी पीएम केयर्स फंड बनाने की अगर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड था तो। चलिए डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। हिंदी फिल्म का ये गाना इस लाइन पे काफ़ी, जो ये गाने की ये लाइन है, ये भारत में कोविड-19 से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरे देश ने सरकार का साथ दिया और बहुत बड़ी बात ये रही कि बहुत बड़ी मात्रा में चंदा भी इकट्ठा किया गया लोगों के द्वारा। क्या है पीएम केयर्स फंड? भारत में कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इसके प्राथमिक उद्देश्य क्या था? किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटना, जैसे कि कोविड-19, उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? 27 मार्च 2020 को की गई थी। इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि, यानी पीएम केयर्स फंड। अंग्रेजी में अगर देखें तो द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इसमें कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है, छोटा हो या बड़ा, कोई भी दान दे सकता है, छोटा बड़ा दान, और आयकर नियम के अनुसार 100% कर छूट प्राप्त कर सकता है इसके अंतर्गत। ध्यान रहे कि देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। पीएम केयर्स फंड, कंपोजिशन ऑफ द पीएम केयर्स फंड क्या है? तो प्रधानमंत्री जो है वो इस फंड के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पदेन ट्रस्टी हैं, इसके मेंबर्स हैं। प्रधानमंत्री के पास 3 लोगों को न्यासी बोर्ड का ट्रस्टी नामित करने की शक्ति है, जो कि अनुसंधान यानी रिसर्च, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र से प्रतिष्ठित होंगे। उन लोगों को भी, 3 अन्य लोगों को भी इसमें नामित करने का अधिकार किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 7। 3 पदेन सदस्य, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और 3 और ट्रस्टी को नामित करने का जो अधिकार है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। किन किन क्षेत्रों से? तो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र से। उद्देश्य क्या है पीएम केयर्स का, तो इसको देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य कि किस देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता के साथ आधारभूत संरचना के विकास का काम भी किया जाए। यदि जरूरी हुआ तो स्वास्थ्य सेवा या आवश्यक सुविधाओं का निर्माण, उनके बारे में अनुसंधान और बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जाएगा। इसके अलावा यदि बोर्ड के ट्रस्टी आवश्यक समझे तो प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता भी प्रदान करने के लिए पैसों के भुगतान या अनुदान कर सकते हैं इससे। ठीक है, पीएम केयर्स फंड सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है कि नहीं? तो चूंकि कोविड-19 लड़ाई में पूरा देश एकजुट हो गया और सरकार ने इस लड़ाई के लिए वित्तीय साधन जुटाने के लिए एक फंड की स्थापना की घोषणा की और लोगों ने इस फंड में करोड़ों रुपए जमा किए। लेकिन अब डोनेट करने वाले लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जिन्होंने जमा किया वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो इंडिया spend.com की वेबसाइट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में 9,677.9 करोड़ रुपये सिर्फ 52 दिन के अंदर जमा हो गए थे। 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की थी कि कोविड-19 कार्यों के लिए पीएम केयर्स से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो निधि से व्यय होने वाला पहला खर्च था। यह 20 मई 2020 तक 9,677.9 करोड़ रुपए का केवल 32% है। यानी कि अगर देखा जाए तो 20 मई 2020 तक जो एकत्र हुआ 9,677.9 करोड़ रुपये, उसका 32% खर्च हुआ था 20 मई तक। एक पर्यावरण कार्यकर्ता है विक्रांत तोगड़, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। इन्होंने 21 अप्रैल 2020 को एक RTI फाइल की। इस आवेदन में प्रधानमंत्री कार्यालय से कुल 12 बिंदुओं में से जानना चाहा कि आप ये बताएं
कि पीएम केयर्स फंड को अब तक कितना रुपया, कितने करोड़ रुपए दान मिला है। तो क्या इसका रिस्पांस कुछ आया, देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया कि पीएम केयर्स फंड को लेकर इतनी गोपनीयता बरत रही है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी इसकी जानकारी देने से मना किया गया। अब पीएमओ ने विक्रांत तोगड़ को क्या जवाब दिया, 6 दिन के अंदर ही जवाब दिया गया कि उन्होंने आरटीआई के एक ही आवेदन में कई विषयों से संबंधित सवाल पूछे और उन्हें हर विषय के लिए अलग से भुगतान करना चाहिए, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं दी जा सकती। पहला जवाब तो ये था। दूसरा जवाब क्या था कि इसके अलावा पीएमओ ने यह भी तर्क दिया कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी देना उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अब ऊपर दिए जो विवरण हैं इससे ये चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि सरकार देश को यह नहीं बताना चाहती कि उसे पीएम केयर्स फंड के तहत कितना रुपया मिला है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो पूर्व विचारधारा को लेकर सरकार सत्ता में आई थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये तो इसके एकदम उल्टा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पीएम केयर्स फंड के अलावा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना स्वतंत्रता के समय ही सन 1948 में कर दी गई थी। जब उसकी मौजूदगी है तो वर्तमान में पीएम केयर्स की स्थापना क्यों, तो देखते दोनों में अंतर क्या है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जनवरी 1948 में की थी। उद्देश्य क्या था, पाकिस्तान से विस्थापितों की सहायता करना, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनकी सहायता करना। वर्तमान में इस योजना के तहत जुटाई गई जमा राशि का उपयोग भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को और प्रमुख दुर्घटनाओं और दंगों से पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इससे किडनी प्रत्यारोपण, हृदय सर्जरी, एसिड हमले और कैंसर उपचार आदि जैसे चिकित्सा उपचार के खर्चों को आंशिक रूप से जरूरतमंदों को दिया जाता है फंड के रूप में। इस फंड की सबसे अच्छी विशेषता है कि इसका हर साल ऑडिट किया जाता है, जिससे देश को यह पता लग जाता है कि इसमें कितना दान आया और कितना खर्च हो गया। अब पीएम केयर्स की बात करें, पीएम केयर्स फंड की स्थापना वर्तमान प्रधानमंत्री ने 27 मार्च 2020 को की। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत में कोविड-19 महामारी जैसे किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। फुल फॉर्म हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है। इसकी सबसे अधिक आलोचना जो हो रही वो इस बात को लेकर हुई कि इसका ऑडिट किसी विश्वसनीय संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इसके लिए भी बात कह दी गई है कि इसके लिए भी ऑडिटर नियुक्त कर दिया गया है। दोनों में अंतर देखते हैं। तो पीएम केयर्स और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के बारे में उद्देश्य क्या है स्थापना के, तो पीएम केयर्स का उद्देश्य है कोविड-19 से प्रभावित गरीबी लोगों की मदद करना, जबकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का उस समय तत्कालीन उद्देश्य जो था वो पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता करना था। स्थापना दिवस अगर देखें तो पीएम केयर्स की स्थापना हुई थी 27 मार्च 2020 को हुई है, जबकि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना हुई थी जनवरी 1948 में। दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य कौन कौन से हैं, तो पीएम केयर्स के सदस्य गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, हमने पहले बताइए दो तीन पदे सदस्य हैं। साथ में ट्रस्ट के 3 अन्य सदस्यों को प्रधानमंत्री कुछ विशेष क्षेत्रों से नामित कर सकते हैं, ये बात भी है हमने पहले बताई है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात करें तो उसमें जो सदस्य होते हैं प्राइम मिनिस्टर के अलावा वो कांग्रेस अध्यक्ष, फिक्की और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि होते हैं। खर्च के प्रकार क्या क्या, तो अगर हम पीएम केयर्स के खर्च की बात करें कोविड-19 के बारे में, महामारी जैसे किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, दंगों, पीड़ितों और किडनी प्रत्यारोपण, हृदय सर्जरी, एसिड हमले और कैंसर उपचार आदि जैसे चिकित्सा उपचार के लिए, ये बातें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई गई, लेकिन ये बातें पूरी तरह से अगर देखी जाए तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड में बताई गई हैं कि तत्कालीन जो उद्देश्य था वो था कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को सहायता करना, लेकिन बाद में ये कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और दंगा पीड़ितों और किडनी प्रत्यारोपण, हृदय सर्जरी, एसिड हमले, कैंसर उपचार जैसे चिकित्सा उपचार के लिए किया जाएगा। कर छूट की जहाँ तक भी बात की जाए तो दोनों में कर छूट की व्यवस्था है। जैसे पीएम केयर्स में व्यक्ति, संस्था या कंपनी द्वारा दान की गई पूरी राशि टैक्स छूट के दायरे में आएगी, और पीएम नेशनल रिलीफ फंड में दान दिए गए देने वाले सभी योगदानकर्ताओं को धारा 80G के तहत आयकर से छूट दी गई है।
ऑडिट की जब बात की जाए तो 23 मार्च 2020 को आयोजित बैठक के दौरान पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों ने 3 साल के लिए पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में एमएस सार्क एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नई दिल्ली को नियुक्त करने का फैसला किया। यह वही फर्म है जिसके प्रमुख सुनील कुमार गुप्ता हैं जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिट करते हैं। तो जो ऑडिट करेगी जो संस्था पीएम नेशनल रिलीफ फंड को, वही अब ऑडिट करेगी पीएम केयर्स को। इसका ऑडिट सरकार के बाहर एक स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में एमएसआर एसोसिएट्स चार्टर अकाउंट्स इसके ऑडिटर हैं। ठीक है, वर्तमान बैलेंस अगर देखा जाए पीएम केयर्स का तो 9,677.9 करोड़ 20 मई 2020 को, आधिकारिक डेटा ये नहीं है, ये एक संस्था द्वारा सिर्फ रिलीज किया गया था, और 3800 करोड़ दिसंबर 2019 तक एक आधिकारिक डेटा रिलीज किया गया था कि 3800 करोड़ रुपये दिसंबर 2019 तक ही आ गए थे। तो आई होप आप लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।